नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया है उसी के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग, उम्मीद है कि सभी लोग यहां पर रिजल्ट अपना देख लिए होंगे। तो जिनका भी स्कोर यहां पर सभी लोग अपना अपना चेक कर लिए हैं, जो मैंने सभी लोगों से यहां पहले हम बात करने वाले हैं स्कोर, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करने वाले हैं। तो सभी लोग जिनका भी स्कोर आया है, मैक्सिमम जो आया है 75 नंबर आया है और आपका मैक्सिमम आया है, और सभी लोग का जो यहाँ पर स्कोर आ रहा है, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट मेरे हिसाब से हैं जिनसे हमको बात हुई है, उनका जो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे 40 और 45 के बीच में सभी का आ रहा है नंबर। तो यहाँ पर 40 और 45 ये आपका स्कोर, अभी ये कट ऑफ मार्क नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कट ऑफ मार्क जो है आपका हर एक बोर्ड का आएगा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। कितना कट ऑफ जाता है ये तो बोर्ड वाइज निर्भर करेगा, कितना कट ऑफ, किस बोर्ड में क्या कट ऑफ है। तो यदि आप वीडियो को, यदि आप नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को दबा दीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत ही ये हेल्पफुल होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। कट ऑफ की तो जो यहाँ पर है 40 नंबर आ रहा है किसी का, किसी का 45 आ रहा है, किसी का 30 भी आ रहा है, और किसी का 20 आ रहा है। यहाँ पर हम इसी बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम तो 75 है ही, 75 वाले तो यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं, चाहे जो भी बोर्ड से हैं। तो जो यहाँ पर 20 नंबर आ रहा है, किसी का 30 नंबर आ रहा है, या फिर 45 नंबर आ रहा है, या 40 45 50 जो भी आ रहा है, हम उसका बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित किया गया था, तो जनरल का जो निर्धारित किया गया था, यहाँ पर आपका निर्धारित किया गया था 40 नंबर। जो ओबीसी का क्या किया गया था निर्धारित, आपका यहाँ पर वो किया गया था 30 नंबर। और जो आपका एससी एसटी वालों के लिए किया गया था, वो आपका किया गया था एससी वालों के लिए 30 और एसटी वालों के लिए किया गया था 30 नंबर। यानी कि आपका 30 नंबर लाना ही लाना है, एससी हो या एसटी हो, उनको 30 नंबर लाना है, और जो ओबीसी है उनको लाना है यहाँ पर 30 नंबर, और जो जनरल वाले हैं उनको 40 नंबर यहाँ पर लाना ही लाना है। तो यहाँ पर हम सेफ स्कोर की बात करें, तो यदि आपका जनरल में है और आपका यहाँ पर कट ऑफ 40 के नीचे आ रहा है, 40 के नीचे आ रहा है जनरल में है और आपका 40 के नीचे आ रहा है, तो आप समझिए आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है 40 से नीचे है, तो ये बात दिमाग में रख लीजिए। यदि आप ओबीसी हैं और आपका यहाँ पर 30 नंबर आ रहा है, तो 30 नंबर आ रहा है तो आप ठीक हैं, लेकिन 30 के नीचे आ रहा है आपका, तो आप यहाँ पर सेफ नहीं है, आपका रिजल्ट यहाँ पे होने वाला नहीं है, एकदम सीधा सीधी बात है। और एसटी हैं या एससी हैं, उनका भी यदि 30 से कम आ रहा है, तो उनका भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। यदि आपका नंबर यहाँ पर 40 नंबर आ रहा है, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका नंबर यहाँ पर 45 हो जाए या 50 हो जाए, यहाँ पर आपका होने का यहाँ पर चांस बनता है। और यदि आपका 75 नंबर आ रहा है या 70 नंबर आ रहा है, चाहे जो भी कैटेगरी से हो आप, तो आप तो बिल्कुल सेफ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट यहाँ पर श्योर होगा ही होगा। तो आप लोग फिजिकल का तैयारी करिए ही करिए। यदि आपका 40 है 45 है, तो फिर भी आपका रिजल्ट होगा, लेकिन आपका 30 से कम है तो आपका रिजल्ट यहाँ पर नहीं होने वाला है, चाहे जिस बोर्ड से हो, आपका कोई भी बोर्ड हो, वहाँ पर नहीं होगा रिजल्ट। तो चूंकि बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया था यहाँ पर जनरल वालों के लिए 40 नंबर, तो इसलिए आपको 40 नंबर लाना ही लाना था जनरल वालों के लिए, और ओबीसी का 30 लाना था, तो उनको 30 लाना ही लाना है। तो 30 से कम आ रहा है तो आप समझिए आपका नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, यहाँ पर सबका स्कोर बढ़ेगा। 40 है तो हो सकता है 45 हो जाए या फिर 50 हो जाए। तो यहाँ पर ये तो हो गया स्कोर की बात और आपका नॉर्मलाइजेशन होने की बात, दोनों की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी जो कट ऑफ आया, इसमें कुछ क्वेश्चन गलत है या फिर आपको लगता है ये क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है, तो आप इसका आप बोर्ड को बोल सकते हैं, लिख दे सकते हैं कि मेरा ये आंसर गलत है, आंसर मेरा सही था और आंसर इसका गलत दे रहा है, तो ये आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है आपका, इसी पर मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है 40 से कम है, 30 से कम है, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग तैयारी करिए फिजिकल की, और निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी, भगवान की दया है, ईश्वर की दया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।